हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई एम ड्रैगन फिल्म को। फिल्म शुरू होती है तो हम एक गांव में लोगों को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं। उस गांव में ड्रैगन का आतंक होता है तो इसलिए गांव वाले इस ड्रैगन से बचने के लिए अपने घर की बेटियों को कुर्बान करते थे। वो अपने घर की बेटियों को तैयार करके एक बोट पर लिटा देते थे, जिसके बाद वो ड्रैगन सॉन्ग को गाते थे। इस सॉन्ग को सुनते ही ड्रैगन इनके गाँव में आ जाता था और वो लेटी हुई लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता था। एक बार ऐसे ही जब एक ड्रैगन एक लड़की को उठाकर ले जाता है तो उससे प्यार करने वाला एक लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो किसी भी हालत में अपने प्यार को वापस पाना चाहता था, तो इसलिए वो ड्रैगन के टापू की खोज में निकल जाता है। कई दिन रातों तक सफर करने के बाद, नदियों और पहाड़ों को पार करने के बाद, वो आखिरकार उस ड्रैगन के टापू पर पहुंच जाता है। लेकिन उसने देर कर दिया था, क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही वो ड्रैगन उस लड़की को मार चुका था। इसके कारण उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन को खत्म कर देता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग के दिल से ड्रैगन का डर हमेशा के लिए निकल जाता है और वो उस आदमी को ड्रैगन स्लेयर के नाम से पुकारने लगते हैं। जिसके बाद समय बीतता है और समय के साथ गांव वाले उस ड्रैगन की रिचुअल को शादी के रिचुअल में बदल देते हैं। इस घटना के कई साल बाद उस गांव के राजा अपनी छोटी बेटी मीरा के साथ ही ड्रैगन स्लेयर के ग्रैंडसन इकोर के साथ करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इकोर भी अपनी दादा की तरह ही बहुत ही बहादुर होगा। अगले सीन में हम मीरा के साथ ही इकोर के साथ होते हुए देख पाते हैं, जहां मीरा को बोट पर लिटा दिया जाता है और बोट की रस्सी इकोर के हाथ में थी, जो मीरा को अपनी ओर खींच रहा था। वहां पे प्रेजेंट लोग रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए फिर से उसी ड्रैगन सॉन्ग को गाते हैं, पर तभी शादी के बीच ही एक ड्रैगन वहां आ जाता है और वो मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ इकोर उस ड्रैगन को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। यहाँ ड्रैगन मीरा को अपने आइलैंड पर ले आता है और उसे एक गड्ढे पर डाल देता है। मीरा वहां से भागने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि तभी उसके सामने एक जंगली जानवर आ जाता है, तो मीरा उससे बचने के लिए एक पत्थर को उठा लेती है। पर तभी एक लड़के की आवाज आती है जो उसे शांत रहने को कह रहा था, तो मीरा ऐसे ही करती है, जिसके बाद वो जानवर वहां से चला जाता है। जिसके बाद मीरा उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें इकोर ने यहाँ मुझे बचाने के लिए भेजा है। तब वो लड़का बताता है कि मैं किसी भी इकोर नाम के आदमी को नहीं जानता हूँ। मीरा यहाँ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इस गड्ढे से बाहर निकाले, इसके बदले मेरे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम देंगे। लेकिन लड़का कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैगन से कोई नहीं छुप सकता। यहाँ पर मीरा को लगता है कि इस लड़की को भी उसी ड्रैगन ने यहाँ पर कैद करके रखा है। मीरा रोने लगती है, तब वहाँ वो लड़का मीरा के घाव पर लगाने के लिए एक लेप देता है। तब मीरा पहली बार उस लड़के को देख पाती है, जो उसे बिल्कुल भी एक कैदी जैसा दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो काफी साफ सुथरा था। यहाँ मीरा उस लड़के को थैंक्स कहती है इस लेप के लिए और वो खुद के बारे में उसे बताती है। लेकिन जब मीरा उस लड़के से उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि मुझे मेरा नाम याद नहीं है। यहाँ पर मीरा उस लड़के से कहती है कि क्या तुमने यहाँ से कभी भागने के बारे में सोचा है। तभी मीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस लड़के को एक बड़ा सा पत्थर लाने को कहती है और वो उस लड़के को कहती है कि जब वो ड्रैगन आएगा तो तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करना और मैं उस पत्थर से उस ड्रैगन को मार कर उसे बेहोश कर दूंगी, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन स्लेयर ही है जो सिर्फ जानता है कि एक ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है। जब तक ड्रैगन स्लेयर यहाँ नहीं आता तुम यहाँ पर इंतजार करो। लेकिन मीरा किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहती थी। यहाँ पर ये लड़का मीरा को बहुत समझाता है कि ये ड्रैगन सब कुछ सुन सकता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को कहती है कि तुम एक कायर हो, जिसके बाद मीरा उस होल को पत्थर से बंद कर देती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से देख रहे थे। उस गड्ढे से निकलने के लिए मीरा अपने लंबे बालों को काट कर उसकी रस्सी बनाने लगती है। तभी फिर से वो लड़का मीरा से कहता है कि मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं भी उस ड्रैगन को हराना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मीरा से माफी मांगता है, तब मीरा उसे माफ कर देती है, जो कि यहाँ पर इस लड़की को अपना नाम याद नहीं था, तो इसलिए मीरा उसे आर्मन नाम देती है। लेकिन तभी आर्मन पर वो ड्रैगन हमला कर देता है। आर्मन मीरा को कहता है कि वो ड्रैगन यहाँ पर आ चुका है, तो तुम जल्दी से छुप जाओ और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। लेकिन मीरा उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपने बालों से बनी रस्सी के द्वारा वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है। इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर मीरा एक पत्थर लेकर उस जगह पर जोर जोर से मारने लगती है जिस साइड आर्मन था। उसके ऐसा करने से अचानक से कुछ बड़े पत्थर टूट जाते हैं और वहाँ एक रास्ता बन जाता है। वहां से बाहर निकलकर मीरा आर्मन को ढूंढना स्टार्ट करती है।
तभी वो ड्रैगन को देखती है और वो उससे डर कर भागने लगती है। यहाँ वो ड्रैगन मीरा को देख लिया था और वो उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते मीरा उस जगह से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो देखती है कि आगे एक बड़ी खाई थी। तभी वहाँ आर्मन आता है जिसके पास वही छोटा जानवर था जिसने मीरा पर पहले हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ ये जानवर आर्मन की हर बात को मान रहा था। ये देखकर मीरा आर्मन से पूछती है कि तुम कौन हो, और वो उससे खुद से दूर रहने को कहती है। पर तभी पैर फिसलने की वजह से मीरा नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए आर्मन एक ड्रैगन में बदल जाता है और वो मीरा को बचा लेता है। मीरा किनारे पर आकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि वो एक वीरान सा टापू था। वहीं दूसरी तरफ एक और अपने साथियों के साथ मीरा को बचाने के लिए निकल चुका था। यहाँ आर्मन जो कि अपने ड्रैगन रूप में था, उसकी हालत बहुत खराब थी और वो एक बार फिर से इंसान बन जाता है। ये देखकर मीरा एक बड़े से पत्थर को उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि आर्मन ही उसे नीचे गिरने से बचाया था। तभी समुद्र का पानी आर्मन को अपनी ओर खींचने लगता है। यहाँ मीरा ये सोचा था कि वो आर्मन को मरने देगी, लेकिन अब वो आर्मन को बचा लेती है और आर्मन के उस पालतू जानवर के कहने के बाद वो आर्मन को ऊंची जगह पर ले जाती है, जहाँ आर्मन को अचानक से होश आ जाता है और वो फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है, लेकिन फिर से वो एक बार बेहोश हो जाता है। ये देखकर मीरा फिर से समुद्र की ओर जाकर लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी उसे एक पुरानी सी नाव दिखती है और वो पास से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मौसम खराब हो जाता है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती है। ये देखकर मीरा अपने भागने के प्लान को कैंसिल करके फिर से उसी टापू में आ जाती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि आर्मन को बहुत ज्यादा घाव लगे हुए थे, इसलिए वो उसके घावों पर लेप लगाकर उसकी देखभाल करती है। उसी रात मीरा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि गोर उसे बचाने आया था और वो उसे गले लगा देती है, लेकिन जब मीरा की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि वहाँ एक गोर नहीं बल्कि आर्मन था जिसे उसने गले लगा लिया था। ये देखकर मीरा घबरा जाती है और वो उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मन उसे अपनी ओर खींचकर फिर से गले लगा लेता है। अगले दिन मीरा की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि आर्मन बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मन उससे बात नहीं करता, इसलिए मीरा उसे परेशान करना शुरू कर देती है। तब आर्मन उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने फादर के साथ रहता था और वो अपने फादर से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसके ड्रैगन बनने का दिन आया तो वो ऐसा नहीं कर पाया और वो वहाँ से भाग गया। तभी उसे अपने टापू पर एक नाव आती दिखी जिसमें एक आदमी था और उसने उसके फादर को मार दिया। बदले और गुस्से के कारण वो एक ड्रैगन बन गया और उसने वो सब देखा और महसूस किया जो उसके पूर्वज क्या करते थे। वो सब मॉन्स्टर थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि आर्मन ने अपने अंदर की सोई हुई ड्रैगन को जगा दिया था और तब से आज तक वो खुद से उस ड्रैगन से लड़ रहा है। उसने खुद को एक ऐसी जगह पर छिपा दिया जहाँ से उसका इंसानी शरीर तो बाहर आ सकता था लेकिन उसका ड्रैगन रूप नहीं आ सकता था। इस तरह वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब एक दिन तुम्हारे गांव वालों ने ड्रैगन सांग को खाया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया, लेकिन इसके बाद ही मैंने खुद को कंट्रोल करके जानबूझकर मीरा को एक छोटे गड्ढे में डाला था ताकि वो उस ड्रैगन से बची रहे। यहाँ पर वो उसे घर भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसे ड्रैगन पर कंट्रोल करना नहीं आता था, इसलिए मीरा को ड्रैगन स्लेयर का वेट करना होगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मीरा के हाथ में है क्योंकि सिर्फ वही आदमी इस आइलैंड में आ सकता है जब उनका प्यार सच्चा हो और उसका सच्चा प्यार उसका इंतजार कर रहा हो। अगर मीरा सच में गौर से प्यार करती है तो एक और यहाँ जरूर पहुंचेगा। यहाँ अरमान मीरा को फिर से उसी गड्ढे में जाने को कहता है ताकि वो ड्रैगन से बची रहे, लेकिन मीरा अरमान की मदद करनी चाहती थी तो इसलिए अरमान से कहती है कि जब तक एक और यहाँ उसे बचाने नहीं आता तब तक वो उसे इंसानों के जैसा रहना सिखाएगी और साथ ही ड्रैगन के कंट्रोल करने में उसकी मदद करेगी। अगले सीन में दोनों मिलकर उस जगह को रहने लायक बनाते हैं और वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। यहाँ मीरा अरमान को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करती है जिसके हेल्प से उसका मन शांत रहेगा और ड्रैगन उस पर हावी नहीं होगा। एक रात मीरा जब नींद से जागती है तो वो देखती है कि अरमान एक ड्रैगन में बदल चुका है। जब उसके पास आती है तो वो ड्रैगन उसे मार देता है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना था और आर्मन उसके सामने खड़ा होकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मीरा आर्मन को अपने सपने के बारे में बताती है, तब आर्मन उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी ड्रैगन के रूप में उस पर हमला नहीं करेगा। यहाँ मीरा और आर्मन बहुत दिनों से एक साथ रह रहे होते हैं
जिस वजह से अरमान को मीरा से प्यार हो जाता है। वो यह बात मीरा को बताने जा ही रहा होता है कि तभी उसके अंदर का ड्रैगन फिर से बाहर आने लगता है, लेकिन अरमान किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी अरमान को वहाँ मीरा की बोर्ड दिखती है, जिसे मीरा ने यहाँ से भागने के लिए बनाया हुआ था। इस बोर्ड को देखकर अरमान को लगता है कि मीरा इतने दिनों से उसके साथ रहने का सिर्फ दिखावा कर रही थी ताकि वो यहाँ से भाग सके। तो इसलिए अरमान मीरा के पास जाता है और उसे ड्रैगन रिचुअल के बारे में बताता है कि जब ड्रैगन लड़कियों को पकड़ कर यहाँ लाते थे तो वो उनके मरने तक उन्हें जिंदा जलाते थे, क्योंकि उनके राग से ही एक ड्रैगन बॉय का जन्म होता है। यहाँ अरमान मीरा को यहाँ से जाने को कहता है ताकि उसके साथ ऐसा बिल्कुल ना हो, जिसके बाद वो खुद उसी गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ से वो ड्रैगन उसके रूप में बाहर नहीं निकल सकता, ताकि मीरा सेफली इस आइलैंड से बाहर निकल सके। ये सब कुछ देखकर मीरा को बहुत दुख होता है कि उसने अरमान को धोखा दिया, लेकिन ड्रैगन के डर से वो अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ इगोर को भी मीरा को ढूंढते हुए काफी समय हो चुका था, तो इसलिए वो वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी उन्हें आसमान में रोशनी दिखती है जिसके थ्रू मीरा उन्हें सिग्नल दे रही थी। तब एक और मीरा को अपने जहाज में ले आता है। यहाँ मीरा अरमान को सेफ रखने के लिए उससे झूठ कहती है कि जब ड्रैगन उसे ले जा रहा था तब तूफान के कारण चट्टान गिरने के कारण उसमें दबकर ड्रैगन मर गया और मीरा अकेले ही उस आइलैंड में फंस गई। उसने किसी तरह उस बोट ढूंढी और वो यहाँ तक पहुँच गई। मीरा वापस अपने घर आ जाती है जहाँ उसे एक और से शादी करने के लिए तैयार किया जाता है और वेडिंग रिचुअल से शादी के स्टार्ट होती है। लेकिन इस बार मीरा बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे रियलाइज होता है कि वो अरमान से बहुत प्यार करती है, इसलिए वेडिंग रिचुअल के समय ही वो एक और से शादी करने से मना कर देती है और सबके सामने कन्फेश करती है कि उसने ड्रैगन से प्यार है ना कि एक और से। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी मीरा के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहा था और मीरा के जाने के बाद उसके अंदर जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी, इसलिए वो अपने इंसानी रूप में टापू के ऊंची ऊंचाई से कूद जाता है। इधर मीरा जब शादी करने से मना कर देती है तो एक और काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वह जबरदस्ती बोट को खींचने लगता है, लेकिन मीरा उसे रोकने के लिए बोट से बनी रस्सी को निकाल देती है और वो अरमान को बुलाने के लिए ड्रैगन सॉन्ग को गाने लगती है। ये देखकर वहां के लोग काफी डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ड्रैगन सॉन्ग खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई ड्रैगन नहीं आता, जिससे मीरा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और वहाँ ड्रैगन आकर मीरा को उठाकर वापस टापू में ले जाने लगता है। ये देखकर एक और पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी ऐसा करने से उसे रोक लेता है। इधर ड्रैगन मीरा को उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर बाकी ड्रैगन लड़कियों को सैक्रिफाइस करते थे, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन मीरा को अपनी आंख से जलाता, मीरा ड्रैगन से बिना डरे उसे किस करके अपना लव कन्फेस करती है और कहती है कि वो जैसा भी है वो उसे पसंद है और अगर वो चाहे तो वो उसे मार सकता है या फिर पहले की तरह वो दोनों साथ रहेंगे। मीरा के इस प्यार को देखकर अरमान फाइनली अपने ड्रैगन वाले रूप पर काबू पा लेता है। अगले सीन में हम मीरा और अरमान की बेटी को देख पाते हैं जहाँ अरमान अपनी बेटी को ड्रैगन की स्टोरी सुना रहा था। तभी उसकी बेटी ड्रैगन के जन्म के बारे में उससे पूछती है। अरमान से कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी मीरा वहाँ जाते हैं और वो अपनी बेटी को सुलाते हुए कहते हैं कि ड्रैगन के बेबी एंजल की तरह आसमान से आते हैं। जब उनकी बेटी सो जाती है तब अरमान अपने ड्रैगन रूप में मीरा के साथ आसमान की सैर पर निकलता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक देकर एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो अब मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बी सेफ बी अलर्ट।